चुनाव की व्यस्तता के बीच मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला, संवाद का मौका मिला। ये मेरे लिए वाकई ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। इस समय तकनीक से बगल वाले सभागृह में बैठे हुए लोगों से भी मेरी बात हो रही है और स्वाभाविक है कि आप लोगों के द्वारा भी बात पहुंची होगी। देश भर के करोड़ों व्यापारी भी आज इसको सुनते होंगे, उन सबको भी मेरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बीते 5 वर्ष में जिस तरह आपने हर कदम पर मेरा समर्थन किया, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैंने पिछले 5 साल में पूरी ईमानदारी से आपके कारोबार और जीवन को सुगम करने की कोशिश की है और इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी टेंशन फ्री होकर बिना किसी डर के काम करें। देश की अर्थव्यवस्था में जैसी ईमानदारी बढ़ती जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, तो उसकी मजबूती देश के विकास में और मददगार साबित होगी। साथियों, व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है, देश की जरूरत के साथ खुद को जोड़ा है। भामाशाह के संबल ने महाराणा प्रताप की ताकत को दोगुना कर दिया था। ये हमारे देश के व्यापारियों की ही ताकत थी कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के व्यापारियों ने कंबोडिया से लेकर के ईरान तक दुनिया के कोने कोने तक देश की संस्कृति का विस्तार किया था। साथियों, मैं आप सभी व्यापारियों की एक बात से बहुत ही प्रभावित हूं और वो है आपकी मेहनत। बारह बारह घंटे तक आप दुकान में अपने आप को कैद करके व्यापार ही नहीं बल्कि सच्चे अर्थ में जनता की सेवा करते हैं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि चुनाव है, मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग एक तरह से सच्चे मौसम विज्ञानी होते हैं। इतना वाक्य लेकर के कल मीडिया में बड़ी बड़ी स्टोरी बन सकती है। जब मैं मौसम विज्ञानी कहता हूं, मौसम विज्ञानी इसलिए क्योंकि व्यापारी को एडवांस में सब कुछ मालूम होता है।
वो आने वाले दिन का अंदाजा लगाता है कि लोगों को कब और कितनी मात्रा में कौन सी चीज चाहिए।